बदल देंगे इसराइल का नक्शा, हिजबुल्ला ईरान की कसम। गाजा में इंसानों के चीथड़े उड़ रहे हैं, गाजा में इंसानों का नरसंहार हो रहा है। गाजा में इंसान मीट की चक्की में पिस रहे हैं। गाजा कब्रिस्तान बनता जा रहा है। सात अक्टूबर के बाद से गाजा की जमीन जहन्नुम बन चुकी है। हमास ने इसराइल में जो नरसंहार किया है उसकी कीमत अब पूरा गाजा भुगत रहा है। 30,000 से ज्यादा इमारतें मिट्टी में मिल चुकी हैं। दस हजार के करीब लोग इस युद्ध में घायल हो चुके हैं। 3,000 के करीब लोग मारे जा चुके हैं। इसराइल गाजा को जमीन के नीचे दफन करने पर तुला है, लेकिन लगता है इस बार इसराइल को जंग बहुत भयानक और भारी पड़ने जा रही है। जिस तेजी से इस्लामिक मुल्क एकजुट हो रहे हैं वो इसराइल के वजूद के लिए सीधा खतरा बन गए हैं। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि ईरान, हिजबुल्ला और हमास तीनों मिलकर कैसे इजरायली सेना को गाजा की जमीन पर दफन करने का प्लान बना रहे हैं। इसराइल में आएगा जलजला, ईरान का महायुद्ध शुरू। हमास के बाद लेबनन के हिजबुल्ला ने साफ साफ इसराइल को पूरी तरह से तबाह करने का ऐलान कर दिया है। लेकिन अब जो होने जा रहा है वो वाकई बेहद खूनी होने वाला है। ईरान ने हमास के टॉप लीडर से मुलाकात करके इसराइल को साफ बता दिया है कि अगर इसराइल सोच रहा है कि वो मिडल ईस्ट का नक्शा बदल देगा तो फिर अब ईरान इसराइल को मिडल ईस्ट की जमीन से मिटा देगा। ईरान ने इसराइल को खुली धमकी दी है कि इसराइल में ईरान ऐसा जलजला लाने जा रहा है जिसकी कल्पना ना तो नेतन्याहू ने की है, ना मोसाद ने और ना ही इसराइल की आईडीएफ ने। एक तरफ उत्तरी गाजा से 11 लाख लोग दक्षिणी गाजा की तरफ भाग रहे हैं। लाखों फिलिस्तीनी और गाजा के लोगों के लिए गाजा की जमीन साक्षात नरक बन चुकी है। इसराइल ने जो 24 घंटे का अल्टीमेटम गाजा में भयानक बमबारी का दिया था वो खत्म हो चुका है। इसराइल ने जानबूझकर हमला नहीं किया है। लेकिन इधर हमास के टॉप कमांडर इस्माइल हानिया ईरान के साथ मिलकर इसराइल से लंबे युद्ध की जबरदस्त तैयारी कर रहे हैं। जरा इन तस्वीरों को देखिए। हमास के नेता और टॉप कमांडर इस्माइल हानिया ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन के बीच एक जबरदस्त मीटिंग हो गई है। दावा किया जा रहा है कि कतर की राजधानी दोहा में हुई इस मीटिंग में ईरान ने हमास के लीडरशिप को साफ बता दिया है कि ईरान इसराइल के खिलाफ जंग में उतर चुका है। अब ईरान की बेतहाशा सैन्य ताकत हमास की ताकत बन गई है। यानी गाजा में अब इसराइल को सिर्फ हमास से नहीं बल्कि ईरान की सेना, लेबनन के हिजबुल्ला लड़ाकों और हमास के सुरंग जिहादियों से जंग करनी पड़ेगी। देखिए ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन ने इसराइल को क्या धमकी दी है। बदल देंगे इसराइल का नक्शा, हिजबुल्ला ईरान की कसम। इसराइल से गाजा में तुरंत हमले रोकने को कहा है। ईरान के विदेश मंत्री ने साफ धमकी दी है कि अगर गाजा में हमले नहीं रोके तो फिर इसराइल में जलजला आ जाएगा। ईरान के विदेश मंत्री ने साफ संकेत दिए हैं कि अब ईरान इसराइल के खिलाफ युद्ध में कूद पड़ा है। ईरान ने आह्वान करते हुए धमकी दी है कि अगर हिजबुल्ला लड़ाई में शामिल हुआ
तो युद्ध मध्य पूर्व के अन्य हिस्सों में फैल सकता है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो फिर इसराइल में जलजला आ जाएगा। कतर की राजधानी दोहा में हमास के कमांडर के हानिया से मुलाकात के बाद ईरान ने जंग का रुख ही बदलना शुरू कर दिया है। طبعا دریافتم که با توجه به سناریوهایی در مقابل حزب الله هر گونه اقدامی یک زلزله بزرگ علیه صهیونیست‌ها خواهد بود. حماس کی سرنگ میں اسرائیل کے 10,000 سینے پچھلے 48 گھنٹے میں اسرائیل سے لے کر غزہ تک بہت کچھ ہو چکا ہے اور غزہ سے لے کر عرب لیگ کے 22 ملکوں میں بہت کچھ بدل چکا ہے। इसराइल के भयानक हवाई और जमीनी हमले में हमास के कई टॉप कमांडर मारे गए हैं। इसराइल की आईडीएफ ने हमास के एक टॉप कमांडर को जबरदस्त एयर स्ट्राइक में मार डाला है। खबर के मुताबिक हमास का टॉप कमांडर बिलाल अल कदरा इसराइल के हमलों में मारा गया है। बिलाल दक्षिणी खान यूनुस बटालियन में नहबा बल का टॉप कमांडर था। इसराइली वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने रात भर गाजा पट्टी में हमास के चरमपंथियों के दक्षिण खान यूनुस बटालियन पर हमला किया है। बिलाल ही इसराइल में कई लोगों की हत्या का जिम्मेदार था। इसी ने दक्षिणी इसराइल के किबुत्स निरव और निरओज इलाके में घरों में घुसकर लोगों को ढूंढ ढूंढ कर मारा था। इसराइली फोर्स ने इस्लामिक जिहाद हेडक्वार्टर को भी एयर स्ट्राइक में ध्वस्त कर दिया है। इसराइल डिफेंस फोर्सेस के बयान के मुताबिक आईडीएफ ने जियतुर खान यूनुस और पश्चिम जाबलिया के पड़ोस में 100 से अधिक हमास ठिकानों पर हमला किया। इतना ही नहीं, हमास के उन ऑपरेशनल अड्डों को भी निशाना बनाया गया जहां से आतंकी इसराइल के खिलाफ हमला कर रहे हैं। खबर तो ये भी आ रही है कि फिलिस्तीनियों से उत्तरी गाजा को खाली करने के लिए इसराइली सेना ने दबाव बेहद बढ़ा दिया है। जरा हवा में उड़ते इन इजरायली पर्चों को देखिए जिन पर साफ लिखा है कि गाजा खाली कर दो वरना जान जा सकती है। इसराइल ने पर्चे हवा से पूरे उत्तरी गाजा में फेंके हैं जिन्हें पढ़कर 11 लाख फिलिस्तीनी और गाजा के लोगों के होश उड़ गए हैं। उत्तर से दक्षिण गाजा की तरफ भागने के लिए लोगों का तांता लगा हुआ है, लेकिन हमास उत्तरी गाजा से लोगों को भागने नहीं दे रहा है। उन्हें इजरायली हमलों के खिलाफ मानव ढाल बना रहा है। रिपोर्ट आ रही है हमास ने उन इलाकों से निवासियों को दक्षिण गाजा की तरफ भागने से जबरन रोक रहा है। दावा किया जा रहा है उत्तरी गाजा में एक फिलिस्तीनी नागरिक ने बताया कि हाल के दिनों में आम नागरिकों की वेशभूषा में हमास के लड़ाके उत्तरी गाजा की गलियों में घूम रहे हैं और लोगों को उत्तरी गाजा से भागने नहीं दे रहे हैं। Hamas is trying to block the roads. He's calling my calls fake. He says we're faking. He says stay put. He wants this human shield. I hope the media will assist us to call the citizens of Gaza City to leave and not go back until we say so. फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद संगठन में भी अहम भूमिका निभा रहा था। इसराइल डिफेंस फोर्सेस के बयान के मुताबिक आईडीएफ ने जियतुन खान यूनुस और पश्चिम जाबलिया के पड़ोस में 100 से अधिक हमास ठिकानों पर हमला किया। इतना ही नहीं, हमास के उन ऑपरेशनल स्थानों को भी निशाना बनाया गया जहाँ से आतंकी इसराइल के खिलाफ हमला करते थे। इसराइली फोर्स ने हमास के इस्लामिक जिहाद परिषद के मुख्यालय, कमांड सेंटर, सैन्य परिसर, दर्जनों लॉन्चर पैड, एंटी टैंक पोस्ट और वॉच बे टावर को मलबे में बदल दिया। इधर दूसरी तरफ गाजा में भयानक गदर मचा हुआ है। ईरान के साथ मिलकर हमास और हिजबुल्ला के लड़ाकों ने इसराइल के दक्षिण और उत्तर के इलाकों पर रॉकेट और मिसाइलों से हमले तेज कर दिए हैं। लेबनान की तरफ से हिजबुल्ला ने इसराइल पर हमले तेज कर दिए हैं। हिजबुल्ला ने वीडियो जारी किया है जिसमें हिजबुल्ला के लड़ाके इसराइली सेना के अड्डों पर भीषण रॉकेट और मिसाइल अटैक कर रहे हैं। बदल देंगे इसराइल का नक्शा हिजबुल्ला, ईरान की कसम। इधर इसराइल की आईडीएफ का दावा है कि उसने हमास की भूमिगत सुरंगों से निकले आतंकवादियों के एक समूह को मार गिराया है। इसराइली सेना का यह भी कहना है कि उसने हाल के घंटों में हमास के कई ठिकानों पर हमला किया है जिसमें जाबलिया, साइकोन, अल फुरकान और बेत हनौन के इलाके शामिल हैं। गाजा और वेस्ट बैंक में इसराइल के भीषण हमले में हमास के अब तक 5,000 से ज्यादा अड्डे तबाह हो चुके हैं जबकि 800 के करीब रॉकेट लॉन्चर सिस्टम भी इसराइल ने तबाह कर दिए हैं।
हमास की सुरंग में इजराइल के 10,000 सैनिक। इजराइल ने गाजा शहर पर हमास के कब्जे और गाजा पट्टी को नष्ट करने के लिए 10,000 सैनिक भेजने की योजना बनाई है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इजरायली सैन्य अधिकारियों के हवाले से इस बात की जानकारी दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह आक्रमण 2006 के दूसरे लेबनन युद्ध के बाद सबसे बड़ा होगा और IDF कम से कम अस्थायी रूप से गाजा के कुछ हिस्सों पर कब्जा करने का प्रयास करेगा। प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने गाजा पट्टी के बाहर इजरायली सैनिकों से कहा, आप अगले चरण के लिए तैयार हैं, अगला चरण आ रहा है। कुल मिलाकर पूरे गाजा में अब इजरायल के खिलाफ ईरान, हिजबुल्ला और लेबनन खुलकर जंग के मैदान में आ चुके हैं। अब देखना होगा कि इजरायल उत्तरी गाजा पर कब और कितना बड़ा हमला करता है और जवाब में ईरान, लेबनन और हिजबुल्ला इजरायल से जंग कैसे जीतते हैं।